और देशहित में अब एक ऐसी खबर जो चीन और पाकिस्तान को परेशान करने वाली है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। इस फैक्ट्री से भारत न सिर्फ अपने लिए सैन्य हेलीकॉप्टर बनाएगा बल्कि भविष्य में विदेशों को भी यहाँ से हेलीकॉप्टर की सप्लाई होगी। इसलिए ये मोदी का हेलीकॉप्टर शॉट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ बेहद महत्वपूर्ण। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भारत ने एक और कदम बढ़ाया है। इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 6 फरवरी की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। ये एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है जो अब सेना को हेलीकॉप्टर सप्लाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये फैक्ट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 साल पुराने विजन का प्रतीक है। कर्नाटक के तुमकुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। HAL की ये फैक्ट्री 615 एकड़ में बनाई गई है। ये एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों ही हल्के परिवहन हेलीकॉप्टर के तौर पर चीता और चेतक का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन ये दोनों ही बहुत पुराने हो चुके हैं और इनको बदला जाना है। भारत ने रूस से हल्के कामों हेलीकॉप्टर की चर्चा शुरू की थी लेकिन बात बन नहीं पाई। अब इस नई फैक्ट्री में भारतीय सेनाओं के लिए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यानी LUH बनाए जाएंगे जिनकी भारतीय सेनाओं को बहुत सख्त और बहुत जल्द जरूरत है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ये फैक्ट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर शॉट है। इस फैक्ट्री में बनने वाले हेलीकॉप्टर भारतीय सेना की भविष्य की जरूरतों को पूरा करेंगे। HAL की इस फैक्ट्री से शुरुआती दौर में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का प्रोडक्शन होगा। LUH हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल सेना, सर्विलांस, रेस्क्यू ऑपरेशन, मेडिकल इवैक्यूएशन, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन और सैन्य टुकड़ियों को लाने ले जाने में करती है। शुरुआत में इस फैक्ट्री में हर साल करीब 30 हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे। बाद में प्रोडक्शन को 60 से 90 तक बढ़ाया जाएगा। आज आधुनिक असॉल्ट राइफल से लेकर टैंक, तोप, नौसेना के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, सब कुछ भारत खुद बना रहा है। फैक्ट्री को 2 फेज में बनाया जा रहा है। पहले फेज में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे। सेकेंड फेज में इस फैक्ट्री से लड़ाकू हेलीकॉप्टर का प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। तुमकुर की इस फैक्ट्री से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर यानी IMRH का निर्माण करने की भी योजना है। जंगलों और पहाड़ों में आतंकवादियों का शिकार करने से लेकर दुश्मन के ठिकानों और टैंक्स पर हमला करने के लिए लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की जरूरत होती है और सैनिकों तक रसद, गोला बारूद और दवाइयां पहुंचाने के लिए हर किस्म के, हर क्षमता वाले हेलीकॉप्टर्स की। एक अंदाजे के मुताबिक अगले कुछ सालों में भारतीय सेनाओं को 1000 हेलीकॉप्टर की जरूरत होगी और अब ये सारी जरूरत देश में ही पूरी होगी इस नई फैक्ट्री से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अभी जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाती है उसका नाम प्रचंड है। वायुसेना, आर्मी और नेवी की जरूरतों के हिसाब से यहाँ पर और ज्यादा LCH का प्रोडक्शन शुरू होगा। HAL के इस प्लांट में जिस इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर का निर्माण भविष्य में किया जाएगा वो MI-17 हेलीकॉप्टर की तरह ही होगा। यही HAL है जिसे बहाना बनाकर हमारी सरकार पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए गए, लोगों को भड़काने की साजिशें रची गई, पार्लियामेंट के घंटे से घंटे तबाह कर दिए।
HAL के तुमकुरु प्लांट में सिर्फ हेलीकॉप्टर का प्रोडक्शन ही नहीं होगा बल्कि हेलीकॉप्टर्स का मेंटेनेंस और रिपेयर भी किया जाएगा। इस फैक्ट्री से अभी देश की जरूरतों के हिसाब से हेलीकॉप्टर का प्रोडक्शन किया जाएगा, लेकिन भविष्य में यहां से बनकर निकलने वाले हेलीकॉप्टर दूसरे देशों को भी बेचे जाएंगे। दिल्ली से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो भारतीय रक्षा क्षेत्र में आज एक और ऐतिहासिक दिन था। भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर भारत के स्वदेशी लड़ाकू एयरक्राफ्ट LCA के नेवी वर्जन की सफल लैंडिंग हुई। एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग काफी खतरनाक होती है क्योंकि ये समुद्र पर उड़ता हुआ एयरपोर्ट जैसा होता है, और सोचिए समंदर पर उड़ते रनवे पर लैंडिंग कराना कितना मुश्किल होगा। INS विक्रांत पर सफल लैंडिंग के बाद अब LCA के नेवी वर्जन की तैनाती की राह आसान हो जाएगी। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का निर्माण भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। LCA के एयरफोर्स वर्जन का नाम तेजस है और ये वायुसेना में शामिल भी हो चुका है। INS विक्रांत और LCA दोनों के डिजाइन से लेकर इसका निर्माण भारत में ही किया गया है।